राम राम दोस्तों, जय बोलेगी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आजकल सेल्फी का जमाना है और हरिद्वार में जो सेल्फी लेने का टॉप पॉइंट है, आज की इस वीडियो में मैं वो टॉप पॉइंट सेल्फी पॉइंट जिसने बोला है वो दिखाऊंगा। बने रहियो। अभी लोकेशन में आपने बता दूं कि ये जो सेल्फी टॉप पॉइंट है ये कहाँ पर है। दोस्तों, आप अगर दिल्ली की तरफ आओगे तो पीछे भोले की मूर्ति है, आप लोगों ने देखी होगी, जो बहुत बड़ी मूर्ति है और उसके पीछे में केबल ब्रिज है। तो केबल ब्रिज और भोले की मूर्ति जैसे ही आप पार करोगे तो गंगा मैया का एक और पुल आ जाएगा। ये सीधा गया ऋषिकेश को और इस तरफ से आओ है दिल्ली को। तो जैसे ही आप दिल्ली से आ रहे हो तो इस ब्रिज को पार करके यू टर्न ले गए और फिर वापिस आपने प्रेम प्रकाश घाट है इस पुल के नीचे, प्रेम प्रकाश घाट से आप नीचे उतर गए और इस तरह का जो कच्चा रास्ता हुआ है साथियों, और ये सामने आपने जो दिखाई दे ये वो सेल्फी पॉइंट है जो हरिद्वार में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और गंगा माँ का जो वेग है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा तेज है दोस्तों, आपने दिखाई दे गया होगा। और इस तरफ गंगा माँ का जो रूप है वो काफ़ी विशाल है। यहाँ पर गंगा माँ बहुत चौड़े आकार में है, तो सभी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो सोनू चले अभी आगे चलो। और भाई हमारी स्कूटी पे देखो, ये झंडा लगा दिया है शिव शंकर का, आगे भी दो झंडे लगाए थे वे उतर गए। ये है वो सेल्फी पॉइंट जो कि काफी मशहूर है। और देखो यहाँ पर बहुत सारे भोले भी हैं और श्रद्धालु भी हैं, यहाँ पर सेल्फी लेने लग रहे हैं सभी। अलग अलग एंगल से यहाँ पर सेल्फी ली जा है क्योंकि स्पेशल सेल्फी लेने के लिए यो पॉइंट बना गया दोस्तों। और यहाँ पर देखो गंगा माँ का रूप दिखा दूँ मैं आपने, जहाँ तक आप देखोगे वहाँ तक गंगा जल ही गंगा जल दिखाई देगा आपने, बहुत विशाल रूप है यहाँ पर। और दोस्तों गंगा मैया की धारा है जो यहाँ पर बहुत तेज गति से जल का बहाव है, यहाँ पर आवाज़ आप लोगों ने सुनाई देती होगी। और देखो किस तरह पानी लोडे खा हुआ है भाई, ये देखो। ये सामने दोस्तों जो गंगा माँ का बड़ा रूप है उसमें से यहाँ पर कट कर दिया, देखो इस तरह से गंगा जल फिर हरिद्वार की तरफ चला जा है। और पानी का बहाव है जो वो कितनी तेज हो गया है क्योंकि ये छोटा सा कट यहाँ पर लगाया गया है। और ये देखो भाई, इस पॉइंट के साथ साथ दोस्तों ये लेफ्ट में भी एक पॉइंट बनाया गया है, देखो छोटा सा। इस तरफ तो जो श्रद्धालु आए हैं, मतलब दोनों तरफ ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये अभी देखा मैंने तो विचार कर मगा ये भी भाई सेल्फी पॉइंट है, तो वहाँ पर भी काफ़ी भोले हैं जो फोटो लेने लाग रहे हैं। और ये देखो भाई सारी का जो है अपनी रील बनाने लाग रही है, इसने बनानी तो इसी आवे है, लेकिन यह कोशिश करती रहे, कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, थोड़ा बहुत शौक जिंदगी में होना चाहिए। हरिद्वार में दोस्तों काफ़ी भीड़ है, हर की पैड़ी पर काफ़ी भीड़ है, तो वहाँ काफ़ी शोर शराबा भी है। यहाँ इतना शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांत जगह है। तो आप अगर आओ हरिद्वार तो ज़रूर आइयो यहाँ पे, आप अपने अच्छे अच्छे फ़ोटो भी क्लिक कर सको हो और माँ गंगा के अद्भुत नज़ारे यहाँ पे देख सको हो, अच्छे से दर्शन कर सको हो। जो बड़ा रूप है माँ गंगा का, ये देखो, ये इस तरह से बहुत बड़ा रूप है यहाँ पे, तो यो भी आप देख सको हो, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। अभी शाम को और ज़्यादा यहाँ पर आ जाएंगे, अभी तो काफ़ी कम आ रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ से व्यू है माँ गंगा का, ये देखो इस तरह से पहाड़ हैं और ये जंगल शुरू हो जाए छोटा सा। और पहाड़ में देखो दोस्तों बादल जो हैं बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा नज़ारा माँ गंगा का यहाँ से दिखाई दे है, ज़बरदस्त। ये नज़ारा था दोस्तों ऊपर से, अभी मैं आपको नीचे और लेकर चलूँगा क्योंकि नीचे भी बैठने के स्थान बनाए गए हैं, जैसे कि ये पत्थर हैं, पत्थर लगा रखे हैं, और इस तरफ भी बैठने के स्थान बनाए गए हैं जहाँ हम बैठ कर गंगा मैया के आराम से नज़ारे ले इसका, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा मैया रूप है वो बहुत ही निराला है, काफ़ी चौड़ी है यहाँ पर और पानी भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सामने पहाड़ हैं, ऊपर नीला आसमान, श्रद्धालुओं ने देखो किस तरह एक दूसरे के ऊपर पत्थर रख रखे हैं,
क्योंकि बैठ कर टाइम पास कर रहे हैं तो इस तरह एक दूसरे के ऊपर पत्थर रख दे हैं। ये देखो ये पत्थर इस तरह से रख दे ऊपर, ये बड़ा पत्थर इसके ऊपर एक रख दिया, और इस तरफ देखो दोस्तों ये सबसे पहले नीचे एक बड़ा पत्थर, फिर उससे छोटा, फिर ये और ये देखो ऊपर बिल्कुल सबसे छोटा रख रखा, बिल्कुल ये छोटा सा पत्थर है सबसे ऊपर। इसको भाई मैं वापिस रख देता हूँ, कोई अपनी यादगिरी छोड़ के जा रहा है। अभी मैं सेल्फी पॉइंट से नीचे उतर आया हूँ तो यहाँ का नजारा देखो आप, ये पत्थर लगाए गए और पत्थर के ऊपर जाल है ताकि तेज बहाव आवे तो ये पत्थर साथ में ना बहे, उससे कटाव बन जाए दोस्तों। और इस तरफ ये भोले बैठे हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं। इनसे नीचे उतरना भी भाई थोड़ा देख के उतरना पड़ा है क्योंकि ये फिसल जाए हैं दोस्तों। और ये देखो हम बिल्कुल गंगा जी के तट पर आ गए हैं, और यहाँ से मैं नज़ारा दिखा दूँ आप लोगों ने, बहुत ठंडा जल है। और ये लास्ट वाले पत्थर पे मैं खड़ा हो गया, यहाँ से देखो गंगा माई का नज़ारा। और भाई कमेंट बॉक्स में जय गंगे जरूर लिख दियो। सारिका खड़ी है इस तरफ, वो नीचे खड़ी, अभी सारिका के पास चलते हैं। इस तरह से रास्ते बनाए गए हैं दोस्तों, देखो सामने दोस्तों भीमगोड्डा बैराज है जहाँ से गंगा जल कंट्रोल किया जा है, वो भी आप लोग दिखावांगे। तो साथियों यहाँ से ये नज़ारा है भाई, और गंगा माई की जो आवाज़ है थोड़ी थोड़ी जल की वह सुनाई दे है। यहाँ पर हल्की हल्की जो लहर हैं वे बने हैं। तो सोनू से पूछते हैं कि कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा, नजारा इतना अच्छा है कि इसके अंदर डुबकी लगा लगा नाऊं। नहीं, अगर आपका मन करे तो नाले में पकड़ लूंगा, मैंने तैरना हुआ है, इतने पकड़ेगा इतने मैं जा लूं। लेकिन दोस्तों यह गलती कभी भी मत करना, जिसने तैरना नहीं आता ना और वो छलांग लगा दे, और फिर जैसे कि आपने तैरना हुआ है आप उसके पीछे छलांग लगाओगे तो बगैर तैरने वाले की पता है क्या आदत होती है? पता है वो क्या कहा, हमारे साथ एक बार दुर्घटना हो चुकी। मेरे साथ तो कई बोली, जिसने तैरना नहीं आता ना दोस्तों वो बाज का गर्दन के चिपटेगा, मतलब आप तो डूबा डूबेगा दूसरे आदमी ने भी लेकर डूबेगा वो। हाँ ये तो है, फिर बहाव भी तो बहुत तेज हो है ना, कितना तेज है देखो। हाँ गोताखोर तो फिर भी दोस्तों लाइफ जैकेट पहने रहे हैं तो बगैर तैरनी, क्योंकि वो घबरा जाए पानी में जब डूबता हो ना आदमी, और जिसने तैरना आता हो वो बाज के उसके लिपट जाएगा सोनू, सीधा गेटी के लिपटेगा। हाँ या तो फिर घबरा भी जाए, मुंह में पानी भी तो बढ़ जाए उसके कारण भी। हाँ, तो हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो थी ये, जो सेल्फी पॉइंट था वो दिखाया, गंगा माई के बड़े जो रूप में गंगा माई यहाँ पर है उसके दर्शन कराए। तो आज की वीडियो में इतना ही, हर हर गंगे हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भोलेगी।